करना है। क्यों नहीं? देखिए राजमाता, जो हमारे पहले की राजमाता थी, हम उनसे आशीर्वाद लेकर के सदा ड्यूटी पे जाया करते थे और सदा अपने मकसद में कामयाब रहते थे। उसी के बाद मैंने आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अपने मकसद में हमेशा कामयाब रहूं। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। ठीक है राजा, मैं चलता हूँ। प्रणाम। ये जूता किसका है? ये जूता? हाँ हाँ, ये जूता किसका है? महाराज का है। राजमाता, कहिए। हमारे सम्राट के जूता 9 नंबर का लगता है और ये जूता 7 नंबर का है। अरे वो भूल में पहन आएंगे, जूता 9 नंबर का लगता है लेकिन रात के समय थी दूसरा पहनता है। मैं मानता हूं, ठीक है, इस जूते को मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूं। नहीं, पहनो। इस जूते को हले दे दो, हम महाराज तक पहुंचा देंगे। अगर सम्राट पूछे कि जूता क्या हो गया है तो हां बता देना कि जूता सेनापति रणवीर प्रताप सिंह। नहीं, बड़ा गजब हो गया, अब बच्ची हो रही, अब हवादार हो, अब तो बड़ा बुरा हाल रहेगा। अब ये जूता लेकर राज दरबार अगर पहुंच जाएगा सेनापति तो मेरी राज खुल जाएगी और मैं मारी जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं इसी वक्त मंत्री जी, मंत्री जी, क्या हुआ फिर? तो गजब हो गया मंत्री जी, आज भारी गजब हो गया, आज मंत्री जी भारी ले गया दरबार। उठाकर जूता ले गया है राज दरबार। छोड़, ये साला कहां का कसरत कर रहा है? ये क्या कर रहे तू? यहां तो मेरे लाले की पड़ी है और तुम कसरत कर रहे हो। जूता चप्पल की बात कर रही है, तुम नहीं जान रहे हो अभी भी। अगर सेनापति जूता लाया है, अपने लिए जूता लेकर आया, तो हम तुम्हारे लिए सैंडल लेकर आओ। अरे नीचे देखो, नीचे। नीचे नहीं साले, ऊपर देख। अरे बाप रे बाप, तुम भी नहीं समझ रहे। अरे नीचे देखो। अरे फिर तुम नीचे देखो यार, नीचे। अरे वहां नहीं, वहां नहीं, यहाँ नीचे देखो, नीचे पैर में। पैर में? हाँ, पायल में देखो, पायल, पायल में नहीं, साले गुच्छा में देखो। अरे अपने पैरों में देखो, नीचे। अरे हमारे पैर में क्या हुआ है?
एकदम झक। जो 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 जूता तुम्हारा है जूता, यही जल्दी जल्दी में छूट गया था और अचानक सेनापति आया है और लेकर जूता राजमहल पहुंचता होगा। अरे अपन चाल चलन सही कर रहा या चढ़ाई गाँव आई तू का 50 जूता मिली है। चढ़ाई गाँव पे वो जूता नहीं साले, ये जूता कहाँ? अरे कुछ करो ना। सेना पत्रण भी प्रताप सिंह जूता ले गया है। निरहु सेना पत्रण भी प्रताप सिंह जूता नहीं, वो बुड़बक अपनी मौत को दावत दिया। राज दरबार पहुंचने से पहले राज दरबार मैं पहुंचूंगा और महाराज से शिकायत करूंगा और शिकायत करने के बाद उसे सीमा की तरफ भेजूंगा और उसे भेजने के बाद कि साला चाट क्या रहा है बे? यार अब हमको और तुमको दूसरे हिसाब से काम करना चाहिए। अरे कोई उपाय सोचो, ऐसे हाथ पे हाथ धरकर चुपचाप बैठे बतला रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। चाल ऐसा चला जा जैसे चला। अबे वो चाल नहीं, अब सेना पत्रण भी प्रताप सिंह को मौत के घाट उतारने के लिए चाल चले। और महारानी चमेली तुमको मालूम नहीं है हम जितना देखने में सीधा हो ना उससे कई गुना ज्यादा हम बहुत टेढ़ा। हम लोग टेढ़े के चलते हैं। टेढ़ा अब दिन में तो हम इस रियासत की देख रेख करता हूँ लेकिन एक काम हो मैं और करता हूँ। दिन में प्रजा की देख रेख, रात में मैं सीधा साधा महामंत्री नहीं रात में डाकू बन जाता हूँ। क्या डाकू? तुम्हें पता नहीं है दिन में हम लोग रियासत में काम करते हैं, रात में 12 बजने के बाद हम लोग झाटू बन जाते हैं। झाटू नहीं थे डाकू बन जाते हैं। डाकू और डाकू बनकर इस रियासत को खोखला करते हैं। अब सेनापत को भैंस बनाकर चलेंगे। चलिए भैंस बना के, भैंस नहीं पड़वा बना के भैंस बनाकर। अरे जितनी और उसे मौत के घाट उतारेंगे। तुम बेफिक्र रहो हमारी जान, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आ सकती। मैं कैसे बेफिक्र रहूं? मेरी तो जान के लाली पड़ी है। जो कोई आंख उठाएगा उसकी आंखें निकालूंगा। लेकिन चलते चलते अरे तुम बेफिक्र रहो मेरी जान, जांघ ने साले नर रो जान। देखो प्रिय, दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी। मैं मारने जाऊंगा तो वो भी हमको मारने की कोशिश करेगा। हो सकता है जिंदा वापस आऊं या ना आऊं, इसलिए चलते चलते हमको एक पप्पी दे दीजिए। पप्पी चले बोली। हाँ मान लिया हम लोग लौट के आए या ना आए, आप लाड हो जाए। ससुर बोल रहा लाड हो जाए। मंत्री जी बहुत प्यार से मांग रहे थे, दो मलकिन हाथ जो क्या दिए आप इनको टट्टी मांग रहे थे। आप मांग रहे हैं टट्टी? टट्टी टट्टी नहीं साले, महिला मांग रहे हैं। अरे बोलबा पप्पी मांग रहे हैं। ई साला कह रहा है टट्टी मांग रहे हैं। पप्पी मांगो टट्टी देंगे जल्दी लाओ हमको चलने तो नहीं वो पहुंच जाएगा। बाय बाय। अरे जल्दी
जल्दी से करो और जल्दी जाओ, यहाँ बाय और हाय में समय व्यर्थ कर रहे हो। इतना प्यार, हरी जाओ जल्दी, हर बार के चक्कर में पड़ जाओगे तो हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी। महारानी जी कहीं, हम भी जा रहे हैं साथ में। ठीक है जाओ, मुझको भी एक पप्पी दे दो। ऐसे ऐसे नौकर पाल रखी कि जो वो करती वही वो करता है। अब मैं चलूं, मंत्री जी के आने का इंतजार करती हूँ। समाचार सब अच्छे हैं महाराज? अच्छे रहना चाहिए, क्यों नहीं, बैठिए। महाराज बहुत बड़ा गजब हो गया, निरहू निरहू अबे साथ गाय नहीं फाट पड़ी, गाज फाट पड़ी। इधर आ, जल्दी महाराज को बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, साले तुम बता दो। महाराज अपने इस रियासत में एक शेरा नाम का डाकू आ गया है और वो नंदन बच्चों काट रहा है और मेरे लोगों को मार मार के भगा दे रहा है। अचानक याद करने का कारण क्या है? करेंगे
निरहो मौका अच्छा मिल गया है। क्या नहीं? वो कहते हैं ना लोहा गरम है हथौड़ा मार दो। अब सेना रणवीर प्रताप सिंह को मारने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलता। कोई अच्छा तरीका नहीं से। अब चलो हम और तुम डाकू का भेस बनाकर रणवीर प्रताप सिंह को गोली मार देते हैं। चलो हम और तुम पेशाब बदल के चलते हैं। अबे साले पेशाब नहीं साले पोशाक बदल कर पोशाक डाकू बनकर चलकर इसे गोली से मार देते हैं। तब वो राज राज ही छुप जाएगा और सेनापति मर भी जाएगा। भगवान झूठ न बोलावे, भगवान झूठ न बोलावे तोरे मौसी की कसम, इसको साले को ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। अगर मौत के घाट नहीं उतारा तो हमारा नाम महामंत्री भवानी सिंह नहीं है। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगली मुलाकात इस स्प्रे के आओ हमारे श्याला। हेलो, तो लीजिए दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग देख रहे थे खैरागढ़ रियासत की कहानी। तो आ जाइए आपको इसी खैरागढ़ रियासत में हम दिखाते हैं हेमगिर पर्वत। हेमगिर पर्वत के समीप एक सरोवर नदी है और उस सरोवर नदी में हर अमावस्या की रात करामाती फूल खिलता है और उस करामाती फूल की पूजा करने के लिए नागलोक से इच्छाधारी नाग और नागिन आते हैं। अपना भेष इंसान का बना करके वो क्या करते हैं क्या नहीं ये आपके बीच में दिखलाया जाएगा। तो ऐसे खैरागढ़ रियासत की कहानी हेमगिर पर्वत सरोवर नदी करामाती फूल इच्छाधारी नाग और नागिन। हम लोग नागलोक से इस वृत्त लोक में आए हैं इस करामाती फूल की पूजा करने के लिए। आओ अब हम चलते हैं पहाड़ी की तरफ। चलो देखो कितना अच्छा मौसम है और तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, चल करके शेयर करते हैं। प्यारी की
की रात हम आते करवाती फूल की पूजा करने के लिए। अच्छा वैसे ही आते रहेंगे ठीक है। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा और मरी के भी तुझी को चाहूंगा। चलो प्रिय फिर हम ओषा की रात को हम ज्यादा हम यहाँ नहीं रुक सकते। चले अपना भेष इंसान का बना करके वो एक दूसरे में मग्न हो जाते हैं और प्यार के गीत गाते हैं, गा करके अपने मुल्क वापस लौट जाते हैं। आ जाइए अब आपको हम ले चलते हैं, ये खैरागंज जैसा छोड़ करके ले चलते हैं जापान मुल्क। जापान मुल्क में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है जिसके पास 18 हाथ का जादू वह जादूगर की 7 जंजीरें हैं। ये जादूगर बहुत ही खूंखार है, कई ग्रहों को अपने बस में कर रखा है। तो आ जाइए आप लोग अपनी अपनी मुट्ठी खोल के बैठे और देखें जापान मुल्क का एक बहुत बड़ा तांत्रिक जिसका नाम और काम क्या है। भूखे को ना दे खाना, भूखे को ना दे खाना, प्यासे को ना दे पानी, नाम है इसका जादूगर सैलानी। ॐ दुर्गाये नमः। ओ काल काय
पलट घोंघट की झड़क खरकट की खोपड़ी मरघट का पास पलटते खोपड़ी तो निकल जाए जा काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली काली हो महाकाली हो मऊहा करोगी राय के भतर भतर मारी हो झरना हो तो झर जाए और कटी सुपारी कर जाए तो चमारुन भोगी के ठिकाल दे हम मारू मसाले थी सतो बत्तीसी जमीन पर आ जाइए साले गुरु महाराज हो कि गुरु महाराज हो हमने अपने तंत्र मंत्र विद्या से बहुत सी बड़ी शक्तियां प्राप्त किया है जैसे हमारे शिव जी का दिया हुआ त्रिशूल है हमने अपने तंत्र मंत्र विद्या से उस मायावी त्रिशूल घोषित किया है और अपने तंत्र मंत्र विद्या से इस मायावी दीन को हमने सिद्ध किया है इस मायावी दीन के जरिए से दुनिया में जितने भी जहरीले सांप हैं मैं उन्हें पकड़कर अपने बस में कर सकता हूं और अपने तंत्र मंत्र विद्या से इस किसनुआ तेली की खोपड़ी को हमने सिद्ध किया है इस किसनुआ तेली की खोपड़ी की जरिए से मैं जो चाहूं वो पूछ सकता हूं कि इस मृत्यु लोक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और त्रिकाल देव मारू वाला से साले उधर गिर जा गए साले कलचोदा शांति से बैठे रहो आगे हमारे गुरु जी का दिया हुआ मायावी शीशा है इस मायावी शीशे के जरिए से मैं जो चाहूं वो देख सकता हूं कि मित्र लोक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है आओ हमारे करीब आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि उस मृत्यु लोक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे गुरु जी का क्या हुआ 18 हाथ का जादू हमारे पास है और जादू की 7 जंजीरें हैं मैं अपने पत्र बल की तपस्या से इस मंत्र को हमने सिद्ध किया है मैं इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं मैं अपने इस किसनुआ तेली के खोपड़े के जरिए से सिद्ध करता हूं और इस मायावी खोपड़े के अंदर हमारी जान बंद है और करीब आओ आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मृत लोक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है देखो क्या दिखाई दे रहा है त्रिकाल देव ये तो हेम गिरी पर्वत दिखाई दे रहा है क्या है